हे ब्यूटीफुल, से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज की वीडियो होने वाली है नो मिरर मिरर मेकअप लुक। आई मीन मैं मतलब मिरर नहीं देखूंगी और अपने फेस पे मेकअप करूंगी। तो ये चैलेंज है और मुझे मेरे यूट्यूब फैमिली ने मुझे दिया था कि मतलब आप बिना मेकअप बिना मिरर देखे बिना आईना देखे आप मेकअप करो। तो मैं सोची चलो मैं करती हूँ, फिर मैं सोची कैसे करूँ नहीं करूँ क्या मैं बहुत ही बच जाऊँगी, बट फिर सोची चैलेंज है तो आप लोग के लिए कुछ भी। तो मैं सोची फाइनली आज ले आई हूँ आप लोग के लिए। तो ये होने वाला है कि बिना मैं आईना देखे आप लोग के साथ मैं मेकअप करूँगी। तो वीडियो को एंड तक देखना। हाँ, थोड़ी सी भूतनी बन सकती, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे दिखूँगी, लेकिन आप देखना ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। मैं ये सारा सेटअप कर चुकी हूँ और मैं सारा सेटअप कर ली और ऊपर से मैं जितने भी मैं प्रोडक्ट यूज़ करूँगी ना, मैं कोशिश करूँगी कि मैं बिल्कुल वहाँ पे मिरर ना हो। मैं आप लोग के साथ चीटिंग नहीं कर रही हूँ। प्रोडक्ट यूज़ करूँगी जो मैं यूज़ करूँगी वो आप लोग मतलब वो मेरा मेकअप के ही करूँगी ठीक है। वो मैं मिरर होगा तो मैं नहीं देखूँगी ठीक है। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। पता नहीं कैसा होने वाला है। तो मैं पहले ही अपने स्किन केयर कर चुकी हूँ, अब मैं उस पर लगाती हूँ ठीक है। मैं प्राइमर लगाऊँगी। तो प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला। तो प्राइमर मैं आज तो मैं भूतनी बन ही जाऊंगी। तो ये मैं लगा ली, प्राइमर हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हमारा आ जाएगा तो यहाँ मैं फाउंडेशन ठीक है बहुत ज्यादा ले ली मैं बिना मिरर के कैसे लगाना है। देन मैं यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करती हूँ ठीक है। पता नहीं कैसे ब्लेंड करूँगी, देखती हूँ मैं। आज तो भूतनी पक्का बनने वाली हूँ। और मैं बता दूँ कि सामने आप लोग सोच रहे होंगे ना कि सामने भी तो कैमरा है, दी या पी जो भी बोलो या मैम। तो मैं बता दूँ कि कैमरा मैं बैक की हूँ, पीछे का ये कैमरा है ठीक है। क्योंकि मैं कोई चीटिंग नहीं करना चाहती थी आप लोगों के साथ, सोच रही थी कि बस पता। और ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या ब्लेंड हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, आई डोंट नो, आई थिंक ब्लेंड हो चुका होगा है ना। तो उसके बाद मैं लगाती हूँ और लूज पाउडर ठीक है, सेटिंग पाउडर। पता नहीं ब्लेंड हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, पता नहीं। तो इसमें भी कोई मिरर वगैरह नहीं, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं पाउडर सेट कर रही हूँ। हो गया, चलो फाउंडेशन और ये तो लगा ली। अब पता नहीं अब कैसा आया होगा, उसके बाद मैं लगा लेती हूँ। और मैं कंसीलर नहीं लगाई हूँ क्योंकि तो कंसीलर मुझे नहीं लगाना था। ऐसे वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। मैं ब्लश यहाँ आप इसमें भी देखो, आप इसमें भी कोई मिरर वगैरह नहीं है, आईना नहीं है। तो यहाँ पर ब्लश पता नहीं ब्लश कैसा लगेगा। तो ये मैं ब्लश भी लगा ली और मैं लगाती हूँ हाइलाइटर। हाइलाइटर में भी कोई मिरर नहीं है, आप देखो कोई आईना नहीं है। क्योंकि मुझे करना था नो मिरर मेकअप लुक करना था ठीक है। तो क्योंकि हाइलाइटर चैलेंज करना मुझे बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों। और जब करूँ भी तो अच्छे से क्यों ना करूँ, आप देखो। मैं मेरा हाइलाइटर भी कंप्लीट हो गया, ब्लश भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ तो ठीक है। अब मैं आई पे मेकअप कैसे करूँ वही मैं सोच रही हूँ। तो आई पे मेकअप करने के लिए मुझे बिना मेकअप आईना देखे ही करना पड़ेगा। इसमें भी कोई मिरर नहीं, आप देख सकते हो नहीं है इसमें भी। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ग्रीन कलर का ले रही हूँ ठीक है। मैं हाथ से ही लगाऊँगी क्योंकि बिना मेकअप आईना के मैं कैसे करूँगी मुझे खुद पता नहीं है। तो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर का पैलेट ही ले रही हूँ। यहाँ पे मैं ले ली, उसके बाद मैं इसमें से कोई सा भी ग्लिटर पिक कर लेती हूँ। तो मैं ग्लिटर में ये पिक करती हूँ ठीक है, सिल्वर में। क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कौन सा कलर लगाऊँ, क्योंकि मैं कोई ड्रेस नहीं पहनी। मैं
चैलेंज कर रही हूँ आप लोगों का। तो ये तो हो गया, आई पे पता नहीं कैसा होगा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। अब बारी तो मेन पॉइंट आई, आईलाइनर लगाने की, पता नहीं कैसे लगाऊंगी, ये तो बहुत टफ होने वाला है। पता नहीं कैसे लगाऊं, क्योंकि मैं पहले कभी नहीं लगाई हूँ। बिना आईना आईना के भी जब देख के लगाती हूँ तो भी मेरे टेढ़े मेढ़े लग जाते हैं। आईलाइनर तो पक्का मेरे खराब होंगे, लगता है मेरे थोड़े से फैल गए हैं। मैं क्या करूँ, बट क्या कर सकते हैं, चैलेंज खराब हो गए मेरे आईलाइनर, बट क्या कर सकती हूँ, और चैलेंज की हो तो एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। तो मुझे लगा ही तक खराब होगा, मेरा लाइनर खराब तो हो चुका है, पता नहीं कैसा दिख रहा होगा सामने। मैं देख रही थी, बहुत ही एक्साइटेड हूँ कैसा लगेगा। तो मस्कारा, तो मस्कारा लगाने के लिए मैं यहाँ पे, मस्कारा तो इजी लग ही जाएगा, थोड़ा सा सबसे टफ होता है लाइनर लगाना। नहीं मुझे कैसे, मैं कैसा लगाई हूँ मुझे खुद नहीं पता, ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा लगा ली हूँ, पता नहीं। तो ये तो हो गया भाई, लिप लाइनर मैं लगाती हूँ, ठीक है। लिप लाइनर भी हो गया, पता नहीं अब मेरे शेप के अकॉर्डिंग हुआ होगा नहीं हुआ होगा। मैं देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि कैसा लगा होगा। तो ये मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ, तो ये हमारा हो गया, और मेकअप फिक्सर मैं मारूंगी, ठीक है। तो मैं से मेकअप फिक्सर में मार ली, पता नहीं कि कैसा लगा होगा मुझे। मैं तो देखने के लिए बहुत ही फाइनली देखने के लिए तैयार हूँ कि मैं मेकअप कैसा देखना चाह रही थी कि कैसा है। तो मैं देखती हूँ, आप लोग तो देख ही चुकी होंगी, आप लोग हंस भी रही होंगी। मैं आईना ढूंढती हूँ, आईना किधर गया, ये आईना, 1 2 3, ठीक है। पता नहीं ऐसा, ये क्या, मैं मेकअप क्यों, ये मैं मेकअप क्यों, आप देखो ये क्या है, ये लाइनर मैं इस तरह से लगा, मतलब ऐसे तो मुझे प्रॉब्लम होती ही थी। ये कितना अजीब लग रहा है, मैं कितनी गंदी दिख रही हूँ, मतलब आप लोग भी हंस रहे हो। आईलाइनर तो देखो, लिपस्टिक मेरे थोड़े से, आप देखो मेरी लिपस्टिक थोड़े से सही है, लिपस्टिक अच्छी जगह पर लगी। आप फाउंडेशन देखोगे ना तो देखो, यहाँ पे फाउंडेशन मेरी लगी हुई है, यहाँ पे भी लगी हुई है, बाकी ब्लेंड अच्छे से हुआ है, ठीक है, यहाँ यहाँ पे नहीं हुआ है। मैं तो बहुत ही अजीब दिख रही मुझे, ये 50% ओके हुआ है, 50 हाईलाइटर सही जगह पर लगा हुआ है, ब्लश सही जगह पर लगा हुआ है, लिपस्टिक सही जगह पर लगा हुआ है, लिप लाइनर वगैरह, लेकिन आँखों का मेकअप और इस साइड फाउंडेशन वगैरह नहीं लगी हैं। तो आप लोग बताना कि ये मैं बिना मेकअप आईना के देखे, बिना मिरर देखे मेकअप क्यों, कैसा लग रहा है, क्या लुक है, और जो कि मुझे बहुत ही वियर्ड लग रहा है। मैं ऐसे कभी तैयार नहीं होती, और आईना सब जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो आई होप कि आपको मेरा ये चैलेंज पसंद आया हो, और नेक्स्ट मैं किस पे लाऊं आप कमेंट में बता सकते हो। तो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। तो फिर मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखो, बाय बाय।